नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल साइंस इनोवेटिव ब्रेन में। तो आज का टॉपिक है हमारा कि क्लाउड में क्यों लाइटनिंग होती है, या आसमान से बिजली क्यों गिरती है और क्यों लाइटनिंग होती है। तो ये हमारा टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं लाइटनिंग क्या होती है, व्हाई लाइटनिंग हैपन। करेक्ट। तो कभी हमने देखा होगा जब बारिश का सीजन आता है तो आसमान से बिजली गिरने लगती है और आसमान में लाइट बिजली कड़कती है, हमें साउंड सुना देता है और लाइट दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न आज जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग जब चार्ज पार्टिकल है, एक्चुअली थ्री टाइप्स में होते हैं, तीन प्रकार की होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है क्लाउड के इंटरनल, क्लाउड के अंदर ही, किसी क्लाउड है, कोई क्लाउड है उसके अंदर ही लाइटनिंग होती है, एक लाइटनिंग होती है, उसको बोलते हैं क्लाउड क्लाउड लाइटनिंग। ठीक है, क्लाउड लाइटनिंग क्या होता है, जब कोई, हमने जैसे बचपन में पढ़ा होगा, हमने देखा था कि जब किसी चीज को हम घिसते हैं, किसी चीज को घिसते हैं तो क्या होगा, हमने देखा कि उसमें आवेशित चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो जब हम किसी चीज को ऐसे बचपन में बाल को घिस करके किसी कागज के टुकड़े पर लगाते थे तो कागज का टुकड़ा क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। तो सेम चीज क्या होता है, बिकॉज एक चीज पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बादल जब मूव करते हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, ये कुछ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे, चार्ज क्लाउड में चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो ये चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे जितना ज्यादा रब होता जाता है उतना चार्ज बिल्डअप होता जाता है, एक्युमुलेट होता जाता है, एक्युमुलेट होता जाता है। तो जब चार्ज एक लिमिट से ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, इसके जो बीच का जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब आइसोलेशन ब्रेक डाउन होता है तो क्या होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा और एक हैवी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव साइड में डिस्चार्ज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमको एक उसमें एक लाइटनिंग दिखाई, इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस का जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो इलेक्ट्रॉन का ब्रेक डाउन हो जाता है एक पॉजिटिव से निगेटिव साइड में, तो क्या होता है, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, मीन्स एक आर्क प्रोड्यूस होता है, बहुत हैवी आर्क प्रोड्यूस होता है, इसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये हो गया क्लाउड के अंदर इटसेल्फ, एक पर्टिकुलर क्लाउड है जो हमारा बादल है उसके अंदर में लाइटनिंग हो गया। दूसरा टाइप होता है क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड। तो क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है, मान लीजिए एक क्लाउड है, ठीक है, एक दूसरा, एक बहुत बड़ा दूसरा कोई बड़ा क्लाउड है, ठीक है, तो उसमें भी वो, उसमें भी क्या होगा, इसमें भी सब चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हैं, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इसके इसके बीच में। तो ये क्या है, हमने जैसे फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, किसी किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से किसी एट 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 एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर, उस पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये हमने पढ़ा था। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है किसी एक पॉइंट पे, किसी चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल डेवलप होता है, तो ये पोटेंशियल डेवलप होता हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर। करेक्ट। तो ये हो गया इक्वेशन। तो इसी चीज का फंडा हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि जब ये क्लाउड है, क्लाउड की वजह से, इस क्लाउड की वजह से एक किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस सारे चार्ज की वजह से एक रिजल्टेंट पोटेंशियल यहाँ पे कुछ वी डेवलप हो जाता है, ये पॉइंट की वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे कुछ दूसरा वी वी टू डेवलप हो जाता है, या वी वन डेवलप हो जाता है। तो ये पोटेंशियल का जब डिफरेंस क्रिएट होगा, जो डिफरेंस है, बिकॉज एक छोटा क्लाउड है तो उसका पोटेंशियल चार्ज क्या होगा, कम होगा। अभी हम देखेंगे, तो चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल को भी क्या लिख सकते हैं, टोटल इसको ऐसा लिख सकते हैं Q1 बाई R1, K को कॉमन कर लीजिए, कॉन्स्टेंट को बाहर लीजिए, तो Q2 बाई R2, इसी तरह से करते करते QN बाई RN। ठीक है, तो
तो इस तरह से करते करते सबमिशन हो जाएगा उसका, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू k टाइम्स सबमिशन ऑफ i लगा दीजिए, देन q i बाय r i, ठीक है। तो ये सबमिशन हो गया चार्ज का, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सबमिशन होगा एडअप होगा, एडअप होगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा, सबमिशन एक इस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और जब वो क्लाउड क्या होगा पास आएगा एक दूसरे के जब पास से गुजरेगा तो क्या होगा उसके इंटर बीच की इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, मीन्स जो आइसोलेशन है इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का वो आइसोलेशन लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जैसे जैसे पास में आता जाएगा तो उनका बीच का गैप कम हो जाएगा, तो जैसे जैसे कम होगा तो पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल ये एक पोटेंशियल है एक दूसरा पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा एक हैवी करंट फ्लो होगा और उसमें वहां पर लाइटनिंग हो जाएगी, बिकॉज करंट कैसे प्रोड्यूस होती है कोई हमने पढ़ा था, एक जब करंट किसी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है, मान लीजिए अगर ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट है यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो जब आप सर्किट कनेक्ट करते हैं किसी वायर से तभी ना करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पे जो सर्किट क्लोज कम जो क्लोज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो आइसोलेशन हो रहा है, बिकॉज एक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दूसरा पोटेंशियल थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा वहाँ पे आइसोलेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस ब्रेकडाउन की वजह से वहाँ पे लाइटनिंग हो जाएगी, तो ये क्लाउड टू क्लाउड के बीच में लाइटनिंग हो गई, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, ओके। अब देखिए दूसरा तीसरा जो होता है वो होता है क्लाउड से ग्राउंड की तरफ, मतलब आसमान से बिजली जब जमीन पे आती है, तो तीसरा हो जाएगा आपका क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो ये क्या होता है, आपका ये क्लाउड है और ये ग्राउंड है, उसके बीच में जो लाइटनिंग होती है हमने देखा होगा, तो क्या होता है कि जब हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो है नेगेटिव चार्ज होती है अर्थ, और अर्थ सरफेस जो अर्थ के पास की जो सरफेस रहेगी वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ये पॉजिटिव अर्थ के सरफेस जो अर्थ सरफेस होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, अर्थ नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो गया। अभी क्लाउड्स के बीच में जो क्लाउड है, क्लाउड भी हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है कि जब जब ज्यादा चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि इसके बीच का जो इसमें एक स्टेप लैटरिंग हो जाती है, स्टेप लैटरिंग बोलते हैं उसको, स्टेप लैटरिंग क्या होता है कि चार्ज क्या होता है जैसे जैसे ये चार्ज है जब चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जब एक्युमुलेट होता चला जाता है तो क्या होता है कि ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करने लगता है, बिकॉज एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहता है, जब तो बाद एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, तो जब बादल और जब नीचे आ जाता आने की कोशिश करता है मतलब जब खींचता है एक दूसरे को तो खींचता है, तो क्या होता है इसके पास की भी चार्ज क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप स्टेप की तरफ से बढ़ने ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बादल की जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव जो है वो निगेटिव की तरफ से बढ़ने चार्ज हो जाते हैं, तो जब ये दोनों चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो जब मिलते हैं तभी क्या होता है, जब चार्ज मिल जाता है तो क्या होता हैवी करंट फ्लो हो जाता है, और वो जो करंट फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग, तो वो ग्राउंड से क्लाउड से अर्थ की तरफ लाइटनिंग हो जाता है, और ये लाइटनिंग मैक्सिमम जो हमने देखा होगा वो कहाँ होता है, जहाँ पहाड़ होते हैं, अभी देखिए ग्राउंड पहाड़ क्या है, पहाड़ भी इसी ग्राउंड पे ही है, तो ये क्या होगा ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं, तो ये पहाड़ क्या है ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, अभी क्लाउड जो होता है पहाड़ के पास में होता है हमारे, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट होकर यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और निगेटिव चार्ज भी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे को क्लैश कर जाता है, क्लैश कर जाता है वहाँ पे वो लाइटनिंग हो जाती है, तो वहाँ से एक लाइटनिंग हो जाती है, तो लाइटनिंग मैक्सिमम जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ हो गया कोई पेड़ हो गया या कोई ऊंची बिल्डिंग हो गई वहाँ पे लाइटनिंग के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब बारिश होता है तो हमको पेड़ और पौधे और या फिर कोई ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे नहीं जाना है, बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे नहीं जाना है, बिकॉज वहाँ पे लाइटनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लाइटनिंग हो सकती है, तो ये हो गया हमारा क्लाउड से ग्राउंड की तरफ लाइटनिंग, मतलब आसमानी बिजली जो गिर रही है वो आसमान से धरती की ओर बिजली गिर रही है, इसको हम
ये इस तरह से करेंगे। और इसको बचाने के लिए अब इसमें क्या होता है कि जो ये इसका जो वोल्टेज होता है, हमने बताया बात किया था यहाँ पे पोटेंशियल की ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द समीशन ऑफ आई इंटू क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो चार्ज की, स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप हो रहा है। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, जो वो होती है, कुछ कई मेगा मेगा वोल्ट में होती है, 100 मेगा वोल्ट के आसपास। 100 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट मतलब कि 100 × 10 की पावर 6 वोल्ट इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, 1000 का ही दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 3 3, हाँ, 10 10 करोड़। तो 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, सो 100 लाख्स, इसको लिख सकते हैं 100 लाख वोल्ट। इतना ज्यादा वोल्टेज होता है, 100 लाख वोल्ट, करेक्ट। तो 100 टाइम्स ऑफ द 1 लाख वोल्ट, इतना ज्यादा वोल्टेज होता है। तो इतना ज्यादा वोल्टेज होता है, और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है, जो हम जो लाइटनिंग होता है, तो जो हमको जो दिखाई देता है लाइटनिंग की वजह से, जो स्पार्क दिखाई देता है, वो दिखाई देता है बिकॉज ऑफ करंट, क्योंकि करंट जो होती है इसके बीच में वो बहुत ज्यादा होती है। करंट की वैल्यू जो होती है आई, जो होगा करंट जो फ्लो हो रही है, वो कुछ 10 किलो एम्पियर से लेकर के कुछ 100 किलो एम्पियर के पास रहेगी। सो 100 किलो एम्पियर और 10 किलो एम्पियर मतलब कि क्या हो गया, अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो 100 किलो एम्पियर मीन्स 100 × 1000, मतलब इतने एम्पियर, मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 1 लाख एम्पियर, 1 लाख एम्पियर, इतनी करंट इसमें से फ्लो होती है। जबकि हम घर में जो यूज करते हैं करंट कितना होता है, जब हम देखते हैं छोटा सा स्पार्क हो जाता है तो कितना हमको लाइटनिंग दिखाई देता है, हम कितना स्पार्क दिखाई देता है, वो मुश्किल से 10 एम्पियर से 15 एम्पियर में इतना दिखाई देता है। तो सोचिए इतना ज्यादा लाख करंट फ्लो होगी तो कितना होगा, इसीलिए हमको बहुत ह्यूज हमको लाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया करंट। अभी इससे बचने के लिए जो हम करते हैं घरों में, इसमें बात की ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, इसी जब लाइटनिंग होता है तो हम लोग एक लाइटनिंग अरिस्टर लगाते हैं। तो जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उनके, आपने देखा होगा टॉप में एक एक लाइटनिंग अरिस्टर लगाया जाता है, ताकि वो लाइटनिंग अरिस्टर क्या होता है, वो लाइटनिंग अरिस्टर जो होता है वो उसका पोर्शन वो सीधे उठा करके अर्थ में कनेक्टेड होता है एक मोटे से वायर से, बहुत ज्यादा थिक वायर रहता है, ताकि अगर कुछ क्लाउड की वजह से अगर कुछ लाइटनिंग होगी तो वो बिल्डिंग पे नहीं होगी, वो बिल्डिंग की जगह पे इस पे होगी, बिकॉज ये क्या है, शार्प एरिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो जितना चार्ज हमारे पास बहुत ज्यादा है, और सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा इस पॉइंट पे, बिकॉज वो शार्प पॉइंट बना होता है, ऐसे ही जस्ट जस्ट ऐसे ही शार्प पॉइंट होता है, तो शार्प पॉइंट का यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होगा, बहुत कम होगा। तो ये जब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए चार्ज, कुछ चार्ज इतना है और सरफेस एरिया कुछ 0.1 या 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, तो ये चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि उतना नहीं रह जाएगा उसकी अपेक्षा, बिकॉज ये सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा इसके एरिया में कंपेयर किया जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले लाइटनिंग यहाँ पे होगी, ना कि इस बिल्डिंग पे होगी। तो बिल्डिंग को बचाने के लिए हमको ये लाइटनिंग एस्टर लगाना पड़ता है। तो मुझे आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा कि लाइटनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, और क्यों लाइटनिंग की वजह से हमको स्पार्क दिखाई देता है, और लाइट दिखाई देता है, और क्लाउड टू क्लाउड, और ये तीनों जो लाइटनिंग है उसके टाइप्स मैंने बता दिए वो क्या होते हैं। अभी हमने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है तो आवाज़ बहुत तेज सुनाई देती है, वो आवाज़ का रीज़न क्या होता है कि जब जब इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है, जब ये क्लाउड से जब करंट जब इतनी हैवी करंट फ्लो होगी, आई करंट होगी कुछ 10 1 लाख्स, मैंने बताया जैसे 1 लाख्स के आसपास,
तो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उसके पास का जो पोर्शन है वो एयर जो है वो हीटअप हो जाएगा, हीटअप, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, ये जो पास की जो एयर होंगी, बिकॉज इधर तो ठंडा था पूरा एरिया, कूल एरिया था अभी, तो यहाँ की जो गैसें हैं वो हॉट हो जाएंगी, हॉट हो जाएगी तो क्या करेगी, वो जो ठंडी गैस है उसको वो पुश करेगी, बिकॉज हमें को पता है कि जैसे हॉट गैस क्या होती है कि वो उठने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, उसमें प्रेशर हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या होगा, उसको पुश करेगी, वो इतनी हाई स्पीड से पुश करेगी उस साइड को, उसको उस एयर को, दूसरी एयर को हटाने की कोशिश करेगी, तो उस हटाने की वजह से वो जो साउंड आएगा, उस हीट की वजह से ये इतना ह्यूज साउंड आएगा, बहुत ज्यादा साउंड आएगा, साउंड का जो होगा वैल्यू वो बहुत हाई हो जाएगा। उस जो कंप्रेस एयर जब निकलती है किसी चीज से तो वो बहुत तेज साउंड क्रिएट करती है। अब देखिए, जब कभी कोई बम फटता है, छोटा सा बम रहता है, बिकॉज वो कंप्रेस होता है, जब वो फटता है तो क्या होता है, इतना ह्यूज साउंड निकलता है, बिकॉज कंप्रेस होकर निकलता है, तो जो कोई भी चीज जब कंप्रेस होकर बाहर आती है तो बहुत ह्यूज साउंड क्रिएट करती है, तो इसीलिए हमको वो साउंड बहुत तेज सुनाई देता है। ओके, तो ये सब रीजन है। तो मुझे आशा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइटनिंग होती है, क्यों लाइटनिंग होती है, क्यों साउंड इतना प्रोड्यूस होता है, क्यों इतना हमको लाइट दिखाई देता है जब साउंड लाइटनिंग होती है। तो ओके ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।